रोग समाधान में आपका स्वागत है। आज हम आपको दोस्तों बताएंगे कि इस समय बहुत सारे लोगों को लंबा बुखार चल रहा है, मुनादी बुखार होता है, इनको आप गिलोय से कैसे ठीक कर सकते हैं। गिलोय हम सबके घरों में आसानी से मिल जाता है, घर के पास जो भी पार्क होते हैं उनमें मिल जाता है, बगीचे में मिल जाता है। इसको आप गिलोय से कैसे ठीक कर सकते हो, काफ़ी लोगों ने बताया कि उनका बुखार 102-103 लगातार चल रहा था, डॉक्टर ने सभी टेस्ट करा लिए पर किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आया, पर उनका बुखार नहीं उतर रहा था। जब 20-25 दिन तक बुखार नहीं उतरा और टेस्ट में कुछ भी नहीं आया तो किसी ने उनको गिलोय का काढ़ा बताया। जब इन्होंने गिलोय का काढ़ा लिया तो 2-3 दिन में ही बुखार उतर गया। तो उसका काढ़ा कैसे तैयार किया जाए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। गिलोय का काढ़ा तैयार करने की विधि, गिलोय जो आसानी से पार्कों में बागों में लगी मिलती है कि एक मोटी सी टहनी लगभग एक हाथ लंबी लें, पत्ते उतार लें, टहनी ताजी होनी चाहिए, साफ कपड़े से पोंछ कर छोटे छोटे टुकड़ों में चीरा लगाकर काट लें। 2 गिलास पानी बर्तन में लें और गिलोय को पानी में मध्यम आंच पर ढककर उबलने के लिए छोड़ दें। जब पानी आधा गिलास एक चौथाई रह जाए तो उतार लें और ठंडा करके चीनी आवश्यकता अनुसार मिलाकर पी लें। ऐसा गिलोय का काढ़ा दिन में 3 बार लेने से आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलता है, अर्थात जो आपका बुखार 20-25 दिन से नहीं उतर रहा था वही आपको 2-3 दिन में उतर जाएगा। अगर आपको कहीं पर नीम गिलोय मिल जाए तो ज़्यादा लाभ करती है। नीम गिलोय होती है जो नीम के पेड़ के ऊपर गिलोय चढ़ी होती है, उसको नीम गिलोय कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा काम करती है, यह पुराने से पुराने बुखार को भी दूर कर देती है। आप सबको मालूम है कि गिलोय के गुण क्या हैं। यह रसायन संग्राही उष्ण वीर्य बलकारक होता है, अग्नि दीपक है तथा त्रिज दोष नाशक है, प्रमेह श्वास कास अर्श मूत्र हृदय रोग वात दाह पांडु कामला कुष्ठ वात रक्त ज्वर कृमि को दूर करता है। यह रक्तशोधक रक्तवर्धक चर्म रोग हर भी है। इसकी डंडी व पत्थर अधिकतम प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको गिलोय के काढ़े को बताया कैसे बुखार दूर कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इससे लाभ, सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए।